ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो इस पाले का शिकार बन जाती हैं। अंततः किसानों के हाथ कुछ नहीं लगता, सारा मेहनत क्षण भर में किसानों से छिन जाता है। अंततः किसानों के पास मायूसी के अलावा कुछ नहीं बचता। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक की सलाह किसानों के लिए बेहद लाभकारी और हितकारी साबित हो सकती है। सब्जी को बचाने के लिए कुछ देसी नुस्खे और तमाम फसलों को बचाने के लिए किसानों के हित में कृषि वैज्ञानिक ने अपना विचार साझा किया है। समाप्ति के कगार पर यह कड़ाके की ठंड कहीं किसानों के फसलों को बर्बाद न कर दे, इस उद्देश्य से कृषि वैज्ञानिक ने अपना विचार साझा किसानों के हित में किया है, जो बेहद लाभकारी और हितकारी साबित हो सकती है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सोमेंद्रनाथ, कृषि वैज्ञानिक सस्य कृषि विज्ञान केंद्र सोहा बलिया से। किसान भाइयों, इस समय जनवरी का महीना चल रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैक्सिमम टेम्परेचर 14-15 के करीब में है और मिनिमम विगत दिनों में 5-6 डिग्री के करीब चल रहा है, तो इस समय पाला भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। पाला से बहुत सारी फसलों को नुकसान हो रहा है। चूंकि हमारा ये गंगा के किनारे का बेल्ट है, मुख्यतः ये सब्जी का बेल्ट है। यहाँ पे कुछ किसान भाई हमारे सरसों भी बोते हैं, आलू भी लगाते हैं और मटर टमाटर बैंगन की खेती करते हैं, तो पाले का सबसे ज़्यादा असर आलू की फसल पे, बैंगन की फसल पे, मटर में। इसके साथ ही जो दलहनी फसलें हमारी जैसे मसूर और चना, अगर पुष्पावस्था में है, जिन किसान भाइयों ने फसल को अक्टूबर माह में दलहनी फसलों की बुआई कर दी है, तो वो पुष्पावस्था के करीब में है। ऐसी स्थिति में पाला पड़ने पे जो दलहनी फसलों के पुष्प होते हैं वो झड़ के गिर जाते हैं। इसके साथ ही आलू में पत्ती सुकड़ जाती है या ठंड की वजह से उसमें अर्ली या लेट ब्लाइट, जो अगेती या पछेती झुलसा कहते हैं, आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इस स्थिति में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो सरसों के खेत हैं जैसे, तो इसमें नमी को बरकरार रखें। इसके साथ ही पाले से फसलों को बचाने के लिए 80% WP का जो सल्फर आता है, उस सल्फर का 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के अगर किसान भाई स्प्रे करेंगे तो उससे 7-8 दिन का जो ड्यूरेशन रहता है, पाले से फसलें बच जाती हैं। इसके बाद में अगर ठंडी की अवधि बढ़ती है, पाला लगातार 15 दिन तक गिरने की चांसेस हैं, तो इसका सल्फर का पुनः छिड़काव उन फसलों पर किया जा सकता है। सल्फर के अलावा थायो यूरिया जो होती है, थायो यूरिया का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर जो हमारे फसलें जैसे गेहूं है, इस पे स्प्रे करके पाले से गेहूं को बचाया जा सकता है। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।